अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो भैया, वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन भी दबाएं, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक भी करें। तो भैया, व्लॉग नंबर 4 हमने बनाया है पेशावर के तहसील फूड स्ट्रीट में, और हम आए हैं शेरा पांचे वाले के पास जो पाए बनाता है। ठीक ठाक, ठीक है, ठीक ठाक। और ये पाकिस्तान में मशहूर पांचों वाला है, और अगर जिस जो भी पेशावर के हर हर ज़िले की अपनी एक वो होती है, सौगात होती है। तो इधर अगर जो भी आए पंजाब से या कराची से या जिस ज़िले से, लेकिन अगर इधर सुबह से आए तो इधर अगर उसने पांचे नहीं खाए तो समझ लो कि कुछ भी नहीं खाया। जैसे वो नमक मंडी के वो छोटा गोश होता है, मटन है जी, तो इसलिए इसके पांचे बहुत मशहूर हैं, बहुत बेस्ट और बहुत बेहतरीन। असल में ये जो चीज़ बनाता है और अपने बच्चे बेटे इसके काम कर रहे हैं इसके साथ, ये खुद पहले खाता है फिर लोगों को खिलाता है, बड़ी बात तो ये है। तो दूसरी बात ये है कि बस और सब हैं, बस ऐसे ही बस खाली बस बराए नाम किए हैं, और ये बहुत मशहूर पांचे वाला है और साफ़ सुथरा भी है हर लिहाज से। यानी ये इसके पांचे जो है ना, मेरे सामने की बात है, अमेरिका भी जाते हैं, लंदन भी जाते हैं और दुबई भी जाते हैं। यानी कि जो शौकीन लोग यहाँ आते हैं ना पंजाब के, जैसे जो खुराकी बंदे हों, वो इधर बैठकर खाते हैं, मेरे सामने दुआएं भी देकर जाते हैं, पैसे भी देकर जाते हैं, दुआएं भी देकर जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम काका। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुनिए काका, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लक लक सोना टाइम मुशो दा पांचो कारोबार दा तकरीबन पिंजीश काला में दलता बड़ा कारीगरी करे दे अजी नज़ीर सरा, और आगे ना पस बेर आलम दलता मैं अखपल दुकान को लाओ को लस काल जमा दे अखपल कारोबार में शो, और माँ सर अखपल बची लगे दी अखपल रोज़गार को बस लगे हो, बस माँ सर बारह नए सौ रिश्ता आओ अल्लाह टेस्ट आ चले थे, बस खलक राजी खुआ खई टेस्ट आओ माशाल्लाह, बस खलक राजी खुआ खई है ना जी। उस टाइम मतलब दारे छे उस टाइम दुकान दा सदा कवि स्टार्ट कोई दे पांच जमे ना जरा शमा, बस के ना अल्लाह मेहरबानी, बस उस टेस्ट टाइम पूरे तकरीबन बे अल्लाह सो पूरे जना से अल्लाह सो ना बात छे कम दे जमा मशरे जोई ना सी शेर खान। तो जैसे आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर अभी पाए को उन्होंने साफ़ किया है और उनको उबाला है, अभी यहाँ पर बड़ी देशी में यहाँ पर डाला है। तो अभी देखते हैं आगे क्या करते हैं ये लोग। तो अभी ये और भी डाल रहे हैं इसमें, पाए को डाल रहे हैं जैसे आप देख सकते हैं, और पूरी इन्होंने ये देशी भर दी है पाए से। अच्छा, अभी देख रहे ना, अभी ये यहाँ से इसका सर हटा रहे। ओ भाई साहब, बिल्कुल इस तरह इसमें पानी में अभी ये बॉयल हो चुकी है ना। अच्छा, अभी ये क्या डाल रहे हो आप भाई जान? अच्छा, ऑयल डाल रहे, ये खैबर का ऑयल है, इसमें अभी ये डाल रहे। पूरा पैकेट खाली कर दिया उन्होंने, तीन पैकेट। अच्छा, 3 किलो ऑयल इसमें डल रही है। ये भाई साहब दूसरा पैकेट, सारा का सारा खाली कर दिया भाई, इतना हैवी, और एक एक तरफ से पाई भी इतनी हैवी है, फिर ऑयल भाई पूरी हैवी मील है। ये तीसरा पैकेट भी डाल दिया उन्होंने। अभी ये कौन सा मसाला है? ये सुर्ख मिर्च डाल रहे हैं अभी इसमें। कितने पैकेट डालेंगे? एक पाव सुर्ख मिर्च।
ये क्या है? हल्दी। अच्छा, ये कितने डालेंगे अभी? ये भी एक पाव हल्दी, एक पाव स्पाइस और एक पाव हल्दी। ये पूरी इसमें भाई साहब, इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं है, बस डाल दी उन्होंने। ये क्या है? अच्छा, ये हल्दी, पिसी हुई हल्दी है ये? लहसुन। अच्छा, लहसुन है। अच्छा, लहसुन, ठीक है। पूरा बर्तन इन्होंने 3 किलो लहसुन, क्या बात है यार। इसमें और पानी भी डाल दिया उन्होंने लहसुन का। भाई इसमें कितना टाइम लगता है पाई बनने में? सुबह तक। कितना? सुबह तक। सुबह सुबह तक। अच्छा अच्छा, ये सुबह तक मतलब तैयार हो जाती है। और ये भी इन्होंने 1:30 बजे इन्होंने स्टार्ट किया था और अगले दिन सुबह तक ये पक जाएगी। तो भाई आप देख सकते हैं कितना ये लंबा प्रोसेस है इसका पकने का। ये जो है ना, ये भाईजान, ये ख़ुद जो है, ये पांचे शेरा पांचे वाला मशहूर ये ख़ुद है ये, और इसका बेटा भी जो है वो शेर खान है। अभी ये सुबह की नमाज़ पढ़कर यहाँ आता है और तकरीबन 10 बजे इसका टाइम होता है, 10 बजे फिर ये यहाँ से उतर जाता है, फिर इसका बेटा बैठता है। और दूसरा ये आप देख रहे हैं, ये ख़ुद ये पांचे देखें बना रहा है, ये देख रहे हैं आप। ये यहाँ आपने अगर एक बार यहाँ आकर अगर टेस्ट किया ना, तो फिर आप ख़ुद ही बार बार आएंगे, क्योंकि मैं अपने मुंह से क्या तारीफ़ करूँ। जो पांचे खाता है फिर ख़ुद ही इसका पक्का पक्का मुरीद हो जाता है। क्या बात है। गाइस, ये तहसील में दुर्गटी में खास उसी स्ट्रीट में पांचो वाला शेर खान, क्या बात है।